स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या हुआ? वो फोन की घंटी बजी थी ना दादी। फोन की घंटी? नहीं तो। अच्छा, मुझे लगा। हेलो, नो, रॉन्ग नंबर। किसी के फोन का इंतजार था तुझे? नहीं नहीं तो दादी, क्यों? नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि तू फोन की घंटी सुनकर चौंक रही है, उल्टी किताब पढ़ रही है, इसलिए मुझे लगा कि अक्षरा, अरे तू यहाँ बैठे, चल मेरे साथ रसोई में चल। रसोई में? लेकिन क्यों माँ? अरे क्यों का क्या मतलब है? बेटा तेरी शादी तय हो गई है, कुछ खाना वाना बनाना सीखना है ना? ताने नहीं सुनने मुझे तेरी सास से। नहीं 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 नहीं, आज तो दादी भी तुझे नहीं बचाएंगी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, खाना बनाना तो तुझे सीखना ही पड़ेगा। चल चल जा, माँ के साथ जाकर खाना बनाना सीख, तब तक मैं उल्टी किताब पढ़ना सीखती हूँ। उल्टी किताब? क्या माँ? नहीं बहू, कुछ नहीं, तुम जाओ। चल चल जल्दी चल। अगली कहेगी दादी नहीं समझेगी तुझे किसके फोन का इंतजार था। अरे हमने भी कभी उम्र का यही कच्चापन पार किया था। हाय मुरी मैया, अक्षरा दीदी आज रसोई में? हाँ, आज अक्षरा भी हमारे साथ खाना बनाएगी। जब जब मैंने कोशिश की कि तुझे खाना बनाना सिखाऊं, तब तक तो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल गई, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। अब तो तेरी शादी होने वाली है, कल को ससुराल जाएगी तो रसोई भी तो संभालनी होगी ना। क्या कर रही है धनिया? बेसन निकाल रही हूँ बड़ी माँ, कड़ी के लिए पकौड़े बनाने हैं ना। रुक रुक, आज पकौड़े अक्षरा बनाएगी। मैं? हाँ क्यों, कभी ना कभी तो सीखेगी ना, तो आज क्यों नहीं। मैं सिखाती हूँ, ये देख, थोड़ा सा बेसन लिया, उसमें हल्दी डाली, उसके बाद धीरे धीरे इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से फेंटना होता है। ध्यान कहाँ है तेरा, समझा रही हूँ ना मैं। चल अब इसमें धीरे धीरे पानी डाल और इसे अच्छी तरह से फेंट, देखना पानी ज्यादा ना हो जाए, समझे? ले। क्या कर रही है? भगवान, इतना सारा पानी डाल दिया। बेटा अभी तो समझाया था इतना सारा पानी नहीं डालते, आजकल ध्यान कहाँ रहता है तेरा। धनिया। हाँ बड़ी माँ। इसमें थोड़ा और बेसन डाल। हाँ। बेटा जब पकौड़े बनाते हैं ना, उसमें इतना सारा पानी नहीं डालते जैसे तूने डाल दिया है। ये देखो इसे ऐसे बनाते हैं, इसमें जो गुठली है ना फुल गायब हो जानी चाहिए, नहीं तो पकौड़े अच्छे नहीं बनते। जब ये अच्छी तरह से घुल जाए, इसमें
दादी ठीक है, इनर भी ठीक है, सेल फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने पूछा तुझसे, फिर भी जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। दादा कल मुझे एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है, आप मेरी हेल्प कर देंगे प्लीज? क्यों, तू खुद नहीं कर सकती? तेरा प्रोजेक्ट है ना, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं। लेकिन आप ही ने तो प्रॉमिस किया था। किया था तो किया था, अब इसके लिए क्या फांसी चढ़ाएगी तू? मुन्ना ऐसे बात की जाती है बहन से? वो मां मैं बहुत बिजी था, इतनी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, वैसे ही दिमाग नहीं चल रहा, और ऊपर से ये सॉरी प्लीज माफ कर दो, लेकिन क्या है ना, अभी तुम्हारे दादा बिजी हैं, थोड़ी देर में ये प्रेजेंटेशन तो नहीं है, कुछ और ही बात है। मैं कितना परेशान लग रहा है, वरना रश्मि को ऐसे नहीं झड़पता। आप फिक्र मत कीजिए मां, मैं देखता हूं। रश्मि बेटा चलो, तुम्हारे दादा को कुछ देर अकेला छोड़ देते हैं। इतनी तेज आंच में तो तेल जल जाएगा अक्षरा दीदी। अब ठीक है, संभाल के अक्षरा, कहीं ऐसा ना हो तेरी चोरी पकड़ी जाए। चोरी? और क्या, ऐसे नीति के ख्यालों में खोई रहेगी ना तो सबकी नजरों में आ जाएगी। और हाँ, यहाँ खुद से छुपा रही है और वहाँ घर भर को पता चल जाएगा। कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं किया तुमने? क्या हुआ अक्षरा? नहीं इधर दिखा। हाय मोरी मैया, आपका तो हाथ जल गया अक्षरा दीदी। क्या हुआ? दिखा 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 दिखा। ये भगवान क्या करती है लड़की। वर्षा जल्दी ठंडा पानी डाल इसमें। पकौड़े बनाने तो सीखे नहीं, ऊपर से हाथ जलाकर बैठ गई है। जल्दी पानी ला। डालो जल्दी डालो, और पानी डालो, और डाल। क्या करती है लड़की, भगवान। डाल डाल और डाल। हाँ कुछ नहीं हुआ मुझे माँ। डाल डाल और पानी डाल। कुछ नहीं हुआ माँ, मैं ठीक हूँ। अरे अब इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है अक्षर? ये लड़की बिना, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ठीक से गृहस्थी संभालना सीख ले, कल को ससुराल में ऐसे हाथ ना जला बैठे। लेकिन यह है कि माँ, मैं देखती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। क्यों चली आई? माँ को लगा कि उन्होंने तुझे खाना बनाना सीखने के लिए कहा, इसलिए तू नाराज हो गई। अब ऐसा भी क्या गुस्सा? प्लीज वर्षा, अभी तू जा यहाँ से। ये तो गलत बात है, गुस्सा किसी और पे आ रहा है और तू निकाल किसी और पे रही है। मुझे कोई गुस्सा गुस्सा नहीं आ रहा। अच्छा जी, गुस्से के साथ साथ ये आंसू भी? वो तो इसलिए क्योंकि ये
अच्छा ठीक है, दिखा इधर। ज्यादा नहीं लगी है, थोड़ा पानी के नीचे रखेगी ना तो ये ठीक हो जाएगा। चल सच बता, इतना गुस्सा, इतने आंसू सिर्फ इसलिए ना कि उसका फोन नहीं आया? जी नहीं। तो फिर? फिर क्या? फिर तो उसे फोन क्यों नहीं कर लेती? मैं क्यों करूं? अगर उसे मुझसे बात करनी होगी तो वही करेगा। सोच ले, कहीं ये पहले आप, पहले आपके चक्कर में तेरे प्यार की गाड़ी छूट ना जाए। गुस्सा छोड़ भी दे, ले। क्या? फोन कर। मैंने कहा ना नहीं। मैंने कहा ना फोन कर उसे। ले, बात कर ले। मैं क्यों? फोन तो उसे करना था ना। अरे यार, ये कोई कुश्ती थोड़ी ना हो रही है कि दोनों भिड़े हुए एक दूसरे से। इश्क का मामला है, नाजुक है। अगर तू पहले फोन कर लेगा तो क्या हो जाएगा? ये बात तो उसके लिए भी है ना। अगर वो फोन कर लेगी तो क्या हो जाएगा? ये भी ना कभी नहीं सुधरेगा। देख भाई, हो सकता है उसके आसपास लोग हों, और ये भी तो हो सकता है कि उसे जाकर भी मौका ना मिल पा रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसके एरिया की सारी फोन लाइन से डेड हो गई हो, या फिर उसे घर के आसपास बिन मौसम बाढ़ आ गई हो, या फिर अर्थक्वेक आ गई हो, राइट? फोन ना करने के 100 बहाने उसके पास मोहित। लेकिन तेरे पास कौन सा बहाना है? अब बहाने वहाने छोड़, चल फोन कर उसे, नहीं तो सारी रात ऐसे ही चिड़चिड़ाता रहेगा। मैं पहले फोन नहीं करूंगा, वरना उसे लगेगा कि मैं झुक गया, रहा नहीं गया मुझसे। मैं पहले फोन क्यों करूं? वरना सोचेगा मैं ही बात करने के लिए बेसब्री हुई जा रही। यानी तू फोन भी नहीं करेगी, और जब तक उसका फोन नहीं आएगा तब तक तुझे चैन भी नहीं मिलेगा, क्यों? क्या हुआ? सच में तू उसे फोन नहीं करेगी? कहा ना नहीं। क्या हुआ? अब तुझे उससे बात नहीं करनी? मेरे पास बेकार की बातों के लिए टाइम नहीं। वाव, अब ये अचानक बेकार की बात हो गई। कुछ देर पहले तो इतनी बेसब्री से उसके फोन का इंतजार कर रहा था। अकेले ही खेलेगा? मुझसे जीत के दिखाओ तो जानू।
Not your day, man. Not your day. मुझे लगता है आज तेरी किस्मत में ना सिर्फ हारी लिखी है. देख, गेम भी हार गया. फोन लगा उसे. यानी तूने हार मान ली? जिद टूट गई तेरी? जिद मेरी नहीं, उसकी है. उसे क्या लगता है मैं ही मारे जा रहा हूं उसे बात करने के लिए? तो फिर फोन क्यों कर रहा है? उसे डांटने के लिए? ये भी कोई तरीका है? कब से इंतजार कर रहा हूं. एक फोन नहीं किया उसने. ऐसी भी क्या जिद? हाँ, ऐसी भी क्या जिद? क्या उसे पता नहीं है नैतिक जी के राज में तो सिर्फ नैतिक ही जिद कर सकता है और कोई नहीं. कितना भी छुपा ले, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुझे उसके फोन के आने का कितना बेसब्री से इंतजार है. तू कुछ नहीं जानती, मुझे किसी के फोन वोन का इंतजार नहीं है. वर्षा, आप तुम्हारे कजिन का फोन है कोचिन से. अच्छा. आजकल तुम्हारे भाई तुम्हें हर रोज फोन करते हैं. कोई बात तो नहीं है? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है. और जो ठीक नहीं है वो अब ठीक हो जाएगा. क्या? कुछ नहीं. मिलो. थैंक यू शौर्य. मेरा कजिन ब्रदर. हेलो नैतिक. नैतिक नहीं, मोहित. नैतिक का फ्रेंड. वर्षा भाभी. जी, अक्षरा जी को फोन देंगे आप? वो नैतिक को जरा बात करनी थी उनसे. हाँ जी, बस एक मिनट. हाँ तुमसे कहा था ना मैंने कि फोन करना, पर तुम्हें क्या परवाह? कोई इंतजार कर रहा है तो करता रहे. लेकिन तुमने मुझे गलत समझा. मैं उन लड़कों सा नहीं हूं जो लड़की के चक्कर में सब कुछ भूल जाए. अगर तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए कोई वक्त नहीं है. मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बताने के लिए फोन किया कि मुझे तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. और बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि मैं शादी से पहले तुम्हें मिलूंगा या मिलने बुलाऊंगा. दैट्स ऑल. अक्षरा, अक्षरा लाइन पे. जितनी प्रैक्टिस करनी थी हो गई. Now it's time for action. फोन उठा और झाड़ दे उसको. हेलो. हेलो. फिर क्या हो गया? आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मगर मुझे तो लगा था आप मुझे फोन करने वाले थे. मैं क्यों? मैंने तो आपसे कहा था कि आप मुझे फोन कीजिएगा. नहीं, आपने तो कुछ भी नहीं कहा, बस दूर से इशारा किया था और मैं समझी कि आप कुछ भी समझी. लेकिन मैं बहुत नाराज हो गया था. मुझसे? नहीं, आपसे नहीं, मैं तो अपने आप से नाराज था. क्यों? क्योंकि मैं आपको ठीक तरह समझा नहीं पाया. बात बताऊं, मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी बात कोई समझ ही नहीं पाता है सिवाय मेरी माँ के. इसलिए सब गड़बड़ हो जाती है. लेकिन आप समझती हैं ना? मतलब अगर आप नहीं समझेंगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. समझती हैं ना? समझती हूँ. ला 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 ला
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।